दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों आज बहुत ही खुशी का पल है। आप लोगों ने देखा होगा कि मातृभूमि टीवी पर मैं 1 लाख से ज्यादा बार आपा आपा बोल के बुला चुका हूं, उनका नाम मैं ले चुका हूं। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के अंदर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड जितने भी हीरा के फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत ही खुशी का पल है। और आज मेरे लिए खुश नसीबी भी है कि आज हमारे साथ आपा डॉक्टर नवीरा सेठ खुद इस समय मौजूद हैं और आज उनके साथ ये खास मुलाकात हुई है। उनसे मैं तमाम कुछ सवाल पूछूंगा जो आपके सवालात होते हैं और आपा भी जवाब देंगी आपके सभी सवालों का। और आज मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि आपा से मेरी मुलाकात हुई है। आपा, आपका बहुत बहुत स्वागत है मातृभूमि टीवी पर। और आपा, सबसे पहले मैं आपको ये शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिस दिन आपकी बेल हुई पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जितने भी इन्वेस्टर थे वो पूरा खुशी के मारे लोटपोट हो गए। मैं आपको बता नहीं सकता हूं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। और आपा, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 2 साल 3 महीना जब तक आप जेल में थी, कोई भी जितने सारे 99% से ज्यादा लोग सिर्फ एक बात की दुआ करते रहे कि आपा बाहर कब आएगी, इस बात के लिए दुआ करते रहे। तो आपा, ऐसे हीरा ग्रुप ऑफ फैमिलीज के मेंबर्स को आप क्या कहना चाहेंगे आज मातृभूमि टीवी के जरिए? मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने ये इंटरव्यू ले रहे और बहुत ही खुशी हुई और बड़ी हमारे लिए सच में भी बड़ी खुशखबरी की बात है। मेंबर्स और हमारे हीरा फैमिली की बहुत बड़ी जीत है और उनका सबर और उनका पेशेंस और कंपनी के ऊपर उनका भरोसा हमको एक बहुत बड़ी जीत अल्लाह के फजल से दिलाया है। और खासकर से आप लोगों के सबकी सपोर्ट और सब कुछ भी उसके लिए कामयाबी के लिए बहुत बड़ी बात है। वाकई में सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा तारीखी आर्डर है और अल्लाह के फजल से जो है उस आर्डर में सबके लिए इंसाफ है, कंप्लेंटर के लिए भी इंसाफ है, नॉन कंप्लेंटर के लिए भी इंसाफ है और मेरे लिए भी इंसाफ है और लोगों के लिए भी इंसाफ है। तो इसलिए मैं हमारी जो भी लीगल टीम उसके ऊपर काम करी और उनको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो मेरे मेंबर हैं जो बहुत बड़ी जीत को हासिल किए हैं उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। जी जी, आप देखिए कुछ लोग इस समय हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों के बहुत बड़े रहनुमा बनते हैं, बड़े बड़े लीडर बनते हैं, लेकिन जब उनके ही कौम की एक बहन बेटी जब समाज के भला करने के लिए आगे आती है और लोगों के लिए बहुत बेहतर काम करना चाहती है और अपने आप को 200 साल तक काम करके पूरे देश के अंदर प्रूव कर देती है, उसके बाद भी कुछ लोग एक नफरत के तहत, एक साजिश के तहत कैसे लोगों को बर्बाद करने में लग जाते हैं, ये कैसी मानसिकता है? ऐसी मानसिकता को आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी से नहीं, तारीख में ये बातें चली आती हैं। जब भी कोई बंदा अच्छा काम करने के लिए शुरू होता है तो जरूर उसको जो है नीचा करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए लोग भी वैसे ही पैदा हो जाते हैं। और उसी तरह से जो है मेरे भी साथ हुआ है और खासकर से ये जितना भी FIRs थे, जो अरेस्ट था, जो अंदर डालने का तरीका था और एक लिंक बनकर FIR करने का जो तरीका था और टोटल ऑफिशियल एक ग्रुप बनकर जो लिंक बनकर जो है इसका करने का जो तरीका था, ये तो मैं बोलने की बात नहीं है, सारा इंडिया जानता है। और सारा इंडिया क्या, बल्कि आज वर्ल्ड में भी इस बात को जो है कि जाना जाता है कि कितनी ना इंसाफी के साथ मेरा अरेस्ट हुआ था और कितनी ना इंसाफी के साथ मुझे 2.5 साल तक जो है अंदर रखा गया। और मुझे अंदर रखते और मेरे साथ ना इंसाफी करते और मुझे तकलीफ देते उसका मुझे ज्यादा दर्द नहीं। और मेरे जो लाखों के जो मेरे मेंबर हैं जिसके वो हीरा ग्रुप के जरिए से जो उनका घर चलता है, उनकी जिंदगी अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने जरिया बनाया है और ये सारे लोगों के रोने का जो जरिया थे बस वही लोग थे जो दुश्मनी रखते थे, आज भी दुश्मनी रखकर कई कई तरह की बातें, कई कई काम कर रहे हैं। मगर मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है और इंडियन जुडिशियल पर मुझे टोटल ला पर भरोसा है कि जरूर हमें इंसाफ मिलेगी और हमें कामयाबी मिलेगी। जी जी, अब मेरा एक सवाल ये है कि कुछ असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है वो चाहते थे कि आपा डॉक्टर नवीरा सेठ लोगों के जुर्म के सामने अपने घुटने टेक दे। और जिस तरीके से
वो लोग दिन रात लोगों को गुमराह करने में लगे रहे, यहां तक कि उन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो इन्वेस्टर्स थे, ये आपा डॉक्टर नवग्रह यानी सीईओ और इन्वेस्टर्स के बीच का मामला था, एक फैमिली थी, उनके अंदर कुछ लोगों ने फूट डालो और राज करो की पॉलिटिक्स करी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको पूरा भरोसा था ये बात कि लोग अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाएंगे और माशाल्लाह से लोग कामयाब भी नहीं हो सके। ये सफाइयों में नहीं जाएगा ऐसा बोलते थे, केस क्लब नहीं होगा ऐसा बोलते थे, आपा को बेल नहीं मिलेगी, उसको जिंदगी भर जेल में सड़ा देंगे, इतनी पूरी साजिश करते रहे। लेकिन आप फिर भी कानून पे भरोसा करके, अल्लाह ताला पे भरोसा करके आप चट्टान की तरह खड़ी रही, इतना भरोसा आपको आपके ऊपर कैसे था? जी सबसे पहले कि एक भरोसा मुझे था कि हमारी कंपनी ने कोई इलीगल काम नहीं किया है, और दूसरा मुझे कॉन्फिडेंस था कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जो एक्ट मेरे ऊपर लगाए गए हैं, ये सब गलत हैं, और कानूनन ये एक्ट को एक दिन कोर्ट पूछेगी कि ये एक्ट कब लगते हैं, किस पर लगाया जाता है। तो उसके बाद जो है, ये जितने भी प्लान बनाए थे वो उनका प्लान सब ये था कि डिपॉजिटर एक्ट लगा दो तो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी जब्त कर ले सकते हैं, और दूसरा एक्ट लगा दो तो फिर उसको जो है हम लोग लिक्विडिटी कर सकते हैं। हाँ, अगर वो भी लोगों के लिए इंसाफ होती तो अलग बात थी, मैं कभी भी कबूल कर लेती थी उस बात को, मगर पिछले दिनों के जो भी चीजें थे उसमें जब देखा गया तो खाली लोगों को बोल देते हैं कि हम पैसा देंगे, मगर 10-10 साल 20-20 साल होता है तो 1 लाख रुपए के 10,000 भी उनको नहीं मिलते। तो इसलिए मैंने फाइट किया कि मेरे इन्वेस्टर हैं, मैं हूं, मेरी कंपनी है, उनके मेरे दरमियान में एग्रीमेंट हुआ है और हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है और मैंने उनको प्रॉफिट दिया है, डिक्लेयर किया है और कंपनी के तरफ से डिक्लेयर हुआ है। अब जितने भी कस्टमर को देना है वो भी कंपनी देगी आगे, तो फिर इसमें दूसरे क्यों देंगे, और कंपनी देने को तैयार है। तो इसी बात पर बहस चलती रही, काफी जगह पर मेरे ऊपर काफी प्रेशर डाला गया कि तुम कबूल कर लो कि अब नहीं दे सकती करके, बोल दो ना अब नहीं दे सकती। मैं बोली क्यों बोलूंगी, कंपनी के पास सोर्सेस है, मेरे लोगों को मुझे देना है और मुझे अल्लाह को डर कर भी देना है कि मुझे उनकी अमानतें अदा करना है, तो मैं क्यों नहीं दूंगी। तो इस पर फाइट चलती रही, अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई जजेस के सामने गई और हाईकोर्ट में भी जब सबमिट हुआ तो हाईकोर्ट में हमने पिटीशन डाला कि एक्ट 212 में जाता है कंपनी एक्ट्स में, और ये कैसे क्रिमिनल 420, 506, 409, 120 भी वगैरह सब कुछ जो है आप लगाकर जो है अंदर रख दिए। तो फिर उसके बाद जो है काफी लोग जो है इसी तरह से उस बात को पूछते रहे, ये करते रहे कि हम लोग सबमिट करने के बाद, और उन्होंने कई इल्जाम लगा दिए, 5,600 करोड़ का स्कैम है और भी बहुत बड़े बड़े इल्जाम है, और वो इल्जामों के बारे में बताने की जरूरत नहीं, इतने इल्जाम लगा दिए। जब हाईकोर्ट ने उनसे प्रूफ मांगा तो प्रूफ नहीं करा सके। तो इल्जाम लगाना इंडिया में आसान है, मगर उसको प्रूफ करना बहुत बड़ी मुश्किल होती है, चाहे वो ऑफिशियल को क्यों ना हो, वो इल्जाम लगाने वाले को क्यों ना हो। इसीलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सेफ है कि विदाउट एविडेंस हम पर कोई भी कुछ भी इल्जाम लगा ले, वो इल्जाम जो है जब साबित नहीं करते हैं तो ये, इसीलिए हाईकोर्ट का अब तेलंगाना का जजमेंट हुआ और उस जजमेंट में कहा गया कि जो तेलंगाना के जो FIR हैं वो सारे FIR को हम इससे FIO को फॉरवर्ड करते ही, इसका मतलब जो भी क्रिमिनल एक्ट कोड थे वो हट गए और वो 212 में यानी कंपनी एक्ट के अंदर, कंपनी का बिजनेस चल रहा था तो ये कंपनी एक्ट के तहत आएगा और कंपनी के एक्ट के तहत में, कंपनी एक्ट के तहत उसका सर्वे होगा, सर्च होगा, उसके बाद जिसको देना लेना होगा वो लोग जो है सर्च करके बताएंगे। तो उसके बाद में जब तेलंगाना में ऐसे हुआ तो लोगों को सुकून तसल्ली नहीं मिली, फिर मुझे बाहर निकलने नहीं दिए, महाराष्ट्र को बुलाकर, महाराष्ट्र की पुलिस को बुलाकर मुझे अरेस्ट करवा दिए और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा यूज किए मेरे अरेस्ट में। तो फिर उसके बाद मुझे महाराष्ट्र लेकर चले गए, तो फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में, हमारी लीगल टीम ने डिसीशन ले लिया कि अब हम पूरे इंडिया के लिए डालकर जो है फाइट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में डाले और तकरीबन 15 महीनों तक सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये बात चलती रही, आर्ग्यूमेंट्स होते गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम वैसा ही डिसीशन और वैसा ही आर्डर देके और हम सबको जिताया और हमारे मेंबर को जिताया और हमारे लिए उठाने वाले हर आवाज वालों के दिल को खुश कर दिया। जी जी जी, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देखिए, पहले कुछ झांसा देने वाले लोगों ने, पब्लिक को गुमराह करने वाले लोगों ने, लोगों के बीच में तफरका पैदा करने वाले लोगों ने, लोगों को ये पहले ये कहा कि हम तुमको 3 दिन में पैसा दिला देते, कंप्लेन कर दो। फिर कुछ लोग उनके झांसे में आ गए, फिर बोले कि आप कंप्लेन 3 महीने में आपको दिला देंगे, आप लोग FIR कर दो।
ऐसे करके लोगों को तीन दिन, तीन महीने, छह महीने, तेरह महीना ऐसे करते करते लोगों को तो तकरीबन ढाई साल परेशान कर दिए लोग। लेकिन पब्लिक की आंख कभी भी कुछ लोगों की नहीं खुली है। अभी आपको सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट मिल जाने के बाद, जो कि टोटली हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में है, आपके हक में है, ये सारा जजमेंट होने के बाद भी दिल्ली बंबई का दौरा लगा रहे हैं और वापस नए तरीके से एफआईआर कंप्लेन करने की कोशिश करवा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की बात लोगों को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो हीरा ग्रुप के सच्चे कस्टमर हैं। जी, या तो वो एफआईआर करने के लिए कंपनी में आए ही मेंबर बने हैं, या वो एमआईएम को सपोर्ट करने के लिए कंपनी में मेंबर बने हैं, या ऑलरेडी उनके सपोर्टर्स हैं, ये मुझे नहीं मालूम। और दूसरी बात जो है कि ये लोगों ने जो डैमेज करने के लिए मुझे ये काम किया था, इनका कोई इंटेंशन इन्वेस्टर को पैसे दिलाने का नहीं है। अगर इन्वेस्टर को पैसे दिलाने का होता तो कभी वो मुझे अंदर रखने का नहीं सोचते थे। बाहर रखकर जो है इन्वेस्टर को पैसे दिलाने का सोचते थे और उसकी फिक्र करते थे। और मुझे उनकी फिक्र यह होती है कि हमेशा जो है उसको अंदर रखो। मैंने एक इन्वेस्टर की जो भी कंप्लेंटर थी लेडी, उसकी आवाज सुनी तो वो लेडी कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, नौहीरा शेख को अंदर रखो। इसका मतलब क्या है कि वो मुझे सताना चाहते हैं और वो मुझे हरास करना चाहते हैं, वो मुझे बाहर मंजर आम पे दिखाना नहीं चाहते। और उनके वो जो सारे चीजों को जो है वो यूज कर रहे हैं और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं, ऑफिशियल को मिसगाइड कर रहे हैं, ऑफिशियल को गलत डेटा दे रहे हैं, ये ऐसा है वैसा है, 50,000 करोड़, 6,000 करोड़। ऑफिशियल भी परेशान हो जाते हैं, क्या करेंगे, कोई आगे से आके 50,000 करोड़ बोलता है, कोई 6,000 करोड़ बोलता है, यहां आगे से देखे तो 1 करोड़ भी नहीं है, तो क्या करेंगे? वो भी पूरा खींच के मापेंगे, जो भी कस्टमर ने कंप्लेंट करवाया है और वो भले लगभग 1 करोड़ के, 2 करोड़ के, 3 करोड़ के जितने भी करवाया है, कंपनी उनको ट्रिपल पेमेंट दे चुकी है, डबल पेमेंट दे चुकी है। तो ये सारे चीजें जो है कोर्ट के नजर में ही, मुझे लगता है कि चाहे दिल्ली में एफआईआर कर ले, चाहे पूरे इंडिया में कर ले, अब सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन होगा कि जो भी कर ले तो उनका तो पेमेंट करना होगा और वो करें जब भी करना होगा, जो ना करेंगे जब भी कंपनी करने को तैयार है। तो मैं बस, मेरे जो भी बंदे हैं और कंपनी के मेंबर हैं, हीरा फैमिली है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ, जब कंपनी खुद कह रही है तुमको देने के लिए तैयार है, तो फिर तुमको किसी भी दरवाजों पे भटकने की जरूरत नहीं है, इधर भटको उधर भटको, क्योंकि इन लोगों ने बिजनेस बना लिया है। आप सुने होंगे काफी चीजें वायरल हुए हैं, उसमें आप सुने होंगे कि इन्होंने 10 लाख के लोगों को बुलाया, बोले कि जब तुमको 10 लाख मिल जाएंगे तो 2 लाख मेरे हैं इसमें, जब तुमको 5 लाख मिल जाएंगे तो 1 लाख मेरे हैं, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 10,000 दे दो। तो इन्होंने एक बड़ी दुकान खोलने की कोशिश की, मगर वो दुकान का रेंट भी वसूल नहीं हुआ, खाली सिर्फ 29 लोग उनके पास आए, और वो जो जाने आने में कभी सुप्रीम कोर्ट को जाने के लिए पैसा मांग रहे हैं, कभी इधर जाने के लिए पैसा मांग रहे। तुम इतने खैर ख्वाह हो लोगों के, तो फिर गरीबों से पैसे मांगने की क्या जरूरत है, और उनसे पैसे। तो इसीलिए मैं मेरे मेंबर्स को कहती हूं, आपको कहीं भी थर्ड पर्सन को, पहले भी आपने 1 पैसा नहीं दिया है, आज लेने के लिए भी उनको 1 पैसा देने की जरूरत नहीं है। बस मैं मेरे मेंबर्स को, हीरा फैमिली को मैं यही समझाना चाहती हूँ। जी जी, आप पर बहुत सारे फेक कंप्लेंट हुए हैं, कोई यहाँ पे इम्प्लीट हो गया है, कहीं पे एफआईआर किया है, इसकी जरा सच्चाई बताइए जरा थोड़ा, जो आपके सामने आई है। देखिए, जो फेक एफआईआर हुए हैं, एफआईआर जो भी करवाए हैं फेक करके, तो तेलंगाना ने उसको ट्रांसफर कर दिया एसएफआई को, ये एफआईआर हो ही नहीं सकता जी। ये एफआईआर गलत थे और इलीगल थे। उसके बाद समझ जाना चाहिए कि जो है एक हाईकोर्ट का डिसीजन टोटल इंडिया के लिए एग्जाम्पल होता है, और ऐसा डिसीजन होने के बाद में जो है फिर कोई बात, कोई सवाल मैं बता ही नहीं सकती और ना मैं कोई कमेंट्स कर सकती उसके ऊपर। अगर जो भी लोगों को जो है प्रूफ कराना है तो वो कोर्ट में प्रूफ कराएं, और आज मैं भी क्या है कोर्ट में प्रूफ कराऊंगी। 1,000 लोग अगर इम्प्लीड हो जाए, जब भी कोई फिक्र की बात नहीं है। अगर 50,000 लोग आके ऐड हो जाए उसके अंदर, जब भी कोई फिक्र की बात नहीं है, उनका वेरिफिकेशन होगा और उनकी चेकअप होगी। अगर ये रियली कंपनी उनको देना है या कंपनी डबल उनको दे चुकी है, तो वो डिसाइड किया जाएगा कोर्ट में, और उसमें कोई भी फिक्र की बात नहीं है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जी जी, आप इस समय बहुत ही करेंट इशू है जिसमें डेटा को और अकाउंट डिफ्रीज को लेकर के लोगों के सवाल है। वैसे आपने तमाम और अलग अलग वीडियोस में आपने क्लियर कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मातृभूमि टीवी पर भी आप बताइए कि जो अकाउंट डिफ्रीज और जो डेटा है रिसीव होने का, उसका क्या स्टेटस है इस समय?
एक्चुअली इस बारे में क्या है कि पहला ऑर्डर जो था बेल का मेरा 6 वीक का टाइम, जब ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था जी कि इनके अकाउंट को डीफ्रीज करो, और मुझे कहा गया था कि कुछ जगहों पर आप डीडीज को जमा करो और वो डीडी को भी अकाउंट में ले लो जी, और लेकर या जो भी अटैचमेंट अमाउंट है वो अटैचमेंट अमाउंट को आप अपने इन्वेस्टर को देना स्टार्ट कर दो जी। तो हम आए, आने के बाद लेटर दिए ऑफिशियल्स को, तो दूसरे ऑर्डर तक भी वो ओपन नहीं किया गया, डीफ्रीज नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट की दूसरा भी एक बहुत बड़ा वर्ड है कि आप अपने बिजनेस को जो है स्टार्ट कर लो जी। आप अपनी बिजनेस को अपने भरोसा करने वालों के साथ स्टार्ट कर लो, मगर यहां पर मैं आने के बाद स्टार्ट करने के बावजूद कुछ ऑफिशियल आकर उधर ऑफिस बंद कर रहे थे, इधर नोटिस लगा रहे थे, उधर भाग रहे थे, इधर भाग रहे थे। मुझे भी बात समझ में नहीं आ रही थी, इतनी बड़ी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का अदलिया का आर्डर है कि तुम अपना बिजनेस को स्टार्ट कर लो, यहां पर ऑफिशियल जो है इसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं तुम स्टार्ट कर लो, ये वहां पर स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमने पूरा सुप्रीम कोर्ट में रिपीट डाला कि हमको डेटा अभी तक नहीं मिला, हम कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, कौन सच्चा कस्टमर है, कौन झूठा है, कौन एडिट डॉक्यूमेंट लेके आया है, कौन सच्चा डॉक्यूमेंट लेके आया है, हम कैसे ये पता करेंगे, और हमको अब तक डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया। तो फिर तेलंगाना में सीसीएस को जो है सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि 2 वीक्स के अंदर इनको डेटा दे दो, और ईडी को भी खूब इसके ये लगाया कि तुम जो है हीरा गोल्ड के अकाउंट को डीफ्रीज कर दो और अमाउंट फैसिलिटेट कर दो देने के लिए जी। मगर उसके बावजूद भी जो है काफी डिले किया गया, आज तक भी डेटा जो है हमें प्रोवाइड नहीं किया गया। और मुझे बुलाया गया था कि डेटा के लिए, तो एक चार्जशीट के जो पेपर थे वो मेरे हाथ में दिए और वो डेटा नहीं होता, और ऑलरेडी डेटा सेंटर जो फ्रीज किए हुए हैं टोटली पंचनामा में रिकॉर्ड मौजूद है, कितने रैम लेके गए हैं, कितने हार्ड डिस्क लेके गए हैं, कितना हमारा टीबी डेटा जो है लेकर गए हुए हैं, जो भी है सब कुछ भी है। तो वो जैसे मिलेगा, तो आप भी सच्चे से अच्छे से जानते हैं कि डिजिटल डेटा क्या होता है, एक फोन के नंबर से, उसके नेम से और उनके एबीजी नंबर से हम उनको टोटली ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हीरा ग्रुप के मेंबर सिर्फ इन्वेस्ट ही नहीं किए हैं, उन्होंने फूड प्रोडक्ट खरीदा है, उन्होंने ज्वेलरी खरीदा है, उन्होंने टेक्सटाइल खरीदा है, वो डिस्काउंट पे मिले हैं, क्या उनका पेमेंट हमारे पास बैलेंस है, क्या उनको डिविडेंड गया हुआ है, कौन सा प्रॉफिट उनको गया हुआ है, ये सारा रिकॉर्ड जैसे डेटा ओपन होगा मालूम हो जाएगा। तो ये आज जो है डेटा अभी तक नहीं दिए हैं, फिर भी हमने लेटर दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बहुत जल्द डेटा हमें प्रोवाइड करें जी। जी, आप देखिए लोग तमाम प्रकार से ऐसा पूछ रहे थे, आज आपने उनके सवालों का जवाब बखूबी दे दिया है। कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि अकाउंट से पैसा आया है, अकाउंट से पैसा गया है, उसका हिसाब तो लोग ऑफिस में भी कर सकते हैं, तो हम लोगों को यही बताया कि भाई खाली पैसे लेन देन की बात नहीं है, उसमें तमाम प्रोडक्ट वाला मैटर भी है और ये बिना डेटा के पॉसिबल नहीं है। तो आज आपने बहुत पूरी तरीके से क्लेरिफाई कर दिया लोगों के सामने। और आपा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि आपा डॉक्टर नवीरा शेख तो पहले से बहुत स्ट्रांग लेडी है, मैंने तो अपने लोगों को बताया है कि आपा जो है अभी सुपर स्ट्रांग हो गई है और आयरन लेडी ऑफ इंडिया 21st सेंचुरी का नाम दिया है मैंने आपको। तो आपा, मैं जानना चाहता हूँ कि आगे हम आने वाले मतलब फ्यूचर में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कहाँ देखते हैं, मतलब आगे हमारा काम क्या और बढ़िया तरीके से बड़े स्केल पे होगा और लाखों लोग अपना भविष्य इसमें तलाश सकते हैं, आपका क्या कहना है इससे? मेरी तो सोच है कि मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को टोटल वर्ल्ड का एक ब्रांड बना दूं, और मेरी सोच है कि आइंदा के दिनों में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज मेरे ख्याल से वर्ल्ड के कोने कोने में पहुंचेगी, क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक ट्रस्ट है बायर सेलर के साथ, अपने कस्टमर के साथ, वो ट्रस्ट बाकी रहेगा और अल्लाह के फजलो करम से ये कंपनी बहुत आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। मैं हमेशा मेरे वीडियोस में भी कहती हूँ और अल्लाह से भी मांगती हूँ कि अल्लाह इसे खियामत के सुबह तक चलाएगा। बहुत बढ़िया। आप एक बात और कहना था मुझे, देखिए ये सवाल मेरे लिए थोड़ा टफ है, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो मतलब मोमिन होकर के नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, कभी किसी की दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, कोई बंदा 5 वक्त का नमाजी हो तो उसको बोलते हैं उसकी छिदरी सी दाढ़ी है, उसको बाद में बताएंगे, कुछ लोग आरएसएस बीजेपी का बता देते हैं, इस तरीके से लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और अपने समाज की बेटी जब लोगों का मार्गदर्शन करती है तो उसको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे, मैं भी ऐसा ऊपर वाले से दुआ करता हूँ,
लेकिन ऐसे लोगों के बारे में आप फाइनल वर्ड क्या कहेंगी, उनको उनको क्या करना चाहिए देश और समाज के लिए, उनको ऐसी हरकत से बाज आना चाहिए नहीं बाज आना चाहिए? देखो मैं तो यही कहूंगी कि बाज आना चाहिए, और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं वो मुसलमान के लिए जान से भी बढ़कर है, क्योंकि हम उनको फॉलो करते हैं और उनकी एक एक बात को हम मानते हैं। अगर उनकी बात को नहीं माने तो हम मोमिन भी नहीं है। तो अल्लाह का हुक्म ही प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। तो मैं यही बात कहना चाहूंगी, जो भी इस तरह का मजाक उड़ाता है वो सबसे बड़ा गुनहगार होता है, जो अल्लाह के हुक्म को और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जो मजाक उड़ाता है उससे बड़ा जाहिल, उससे बड़ा गुनहगार मेरे नजरों में तो कोई भी नहीं होगा। और हमको रेस्पेक्ट करना है अल्लाह के कानून को और उसके रसूल के जो भी अहकाम है उसको रेस्पेक्ट करते हुए, हमारे इंडिया के कानून को हम रेस्पेक्ट करते हुए, हर मजहब वाले भी जो है उनकी भी हमको रेस्पेक्ट करना है। और यही हमको हमारा मजहब सिखाता है कि तुम किसी भी मजहब को जो है उनको मजाक मत उड़ाया करो। अगर वो तुम्हारी बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो भी जो है उनका मजाक मत उड़ाया करो। और अल्लाह के कुछ बातें हैं उसमें अल्लाह ने सारे जहां के लिए फरमाया है, देखो मैंने जमीन पैदा किया तुम सबके लिए, आसमान पैदा किया तुम सबके लिए, और मैंने तुमको रोजी देता हूं तुम सबके लिए। जहां अल्लाह यतीमों का जिक्र किया तो ये नहीं बोला कि मुस्लिम यतीमों को मदद करो, अल्लाह ने कहा जो यतीमों की मदद करता है उसके लिए ये अजर है, तो वहां पर सबके बच्चे आ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसको हमको फॉलो करना है। और मैं सबसे ज्यादा एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी कोई ऐसी बात हम ना करें जो किसी के दिल को तकलीफ हो जाए। हाँ, जो कोई बेहद तकलीफ देता है उसको हम रिप्ले करें और उसको हम बात का जवाब दें, और ज्यादा उससे डैमेज करने की कोशिश करता है तो लीगल कोर्ट्स है, उसको अप्रोच हो जाए। भले वो कितना हंसते रहो, मजाक करते रहो, वीडियोस बनाते रहो, एक दिन ऐसा फंसेंगे जब अल्लाह ताला के तरफ से कोर्ट में ये होगा, आर्डर होगा, तो फिर उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा आगे चलकर। जी आपा, मैं एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये आपा, इस समय पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, गल्फ कंट्री में, यहाँ की पूरे बाहर की बहुत सारी कंट्रीज में आपको, मतलब आपको फॉलो करने वाले लोगों की संख्या लाखों नहीं करोड़ों में है। और मैं तो अपने वीडियोस में एक कुरान की आयत का जिक्र करता हूँ, वतु ईशु मंतसा वतु जीलो मंतसा। कुछ लोगों ने आपको बदनाम करने की, बर्बाद करने की, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को डैमेज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। यहां तक कि वो 0.1% भी कामयाब नहीं हो पाए, 1% तो बहुत ज्यादा होता है। और आप इसमें बहुत लोगों का सहयोग रहा, कुछ ऐसे लोग रहे जो रात भर आपके लिए दुआ करके रोते रहे, सभी लोग आपको इसमें मातृभूमि टीवी के जरिए देख रहे हैं, 5 वक्त के नमाज में आपके लिए दुआ करते रहे, असर की नमाज, फजर की नमाज, सुबह की नमाज, सभी 5 नमाजों में ऑडियो वीडियो बनाते रहे, जेल के पास तब तक खड़े रहे जब तक आपकी एक झलक न मिल जाए, कोर्ट के बाहर आपके लिए खड़े रहे। यानी आप जिनको मैं लगातार अपने वीडियोज में बोलता रहा था कि आपा की रीढ़ की हड्डी का रोल उन्होंने प्ले किया, किसी ने अपने परिवार के 4 लोगों को समझाया, किसी ने बाहर के लोगों को समझाया, अपने कस्टमरों को समझाया, उन सभी लोगों के लिए मातृभूमि टीवी के जरिए आप उनको किस तरह से शुभकामना देना चाहती हैं, धन्यवाद देना चाहती हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, सवाल में ही आपने जवाब भी दे दिया, वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। जी कि अल्लाह ताला ही इज्जत के देने वाले, जिल्लत के देने वाले हैं। अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे सारी जमीन मिलकर भी उसको जिल्लत नहीं दे सकती, अल्लाह जिसको जलील करना चाहे उसे सारी जमीन मिलकर भी इज्जत नहीं दे सकती। ये मेरा मानना और मेरा यकीन है, और बचपन से मेरी यही सोच है, मैं उसी सोच पर चलती हूँ। और अल्लाह जिसको चाहे बेहिसाब रोजी अता करता है, जिसको चाहे छीन लेता है, वो भी अल्लाह की मर्जी है। मगर मेरे में इन सपोर्टर को जो दिन और रात काम किए, मैंने कभी आंखों में आंसू नहीं निकाला। मगर एक बार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, वो कोर्ट का जो मंजर आपने बयान किया वो मुझे उस वक्त याद आ गया, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरे लोग मेरे लिए जो कोर्ट के सामने खड़ते थे भूखे प्यासे, और उनको देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मेरी तकलीफ मुझे कभी भी तकलीफ नजर नहीं आती थी, और मेरा सताया जाना मुझे कुछ मतलब नहीं रखता था। मेरे मेंबर्स को देखकर जो है मुझे बहुत अंदर से फिक्र होती थी, और मैं जाने के बाद भी बहुत अंदर से रोती थी और अल्लाह से दुआ करती थी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये सारे सपोर्टर की ही जीत है, ये मेरी जीत नहीं, सबसे पहले उनकी ही जीत है, ये उनकी ही खुशी
खुशी है, ये सब कुछ जो जीत हुई है। आज वापिस कंपनी अपने सेम नाम से ओपन हो रही है, वापिस कंपनी अपने सेम लोगों से स्टार्ट हो रही है, वापिस कंपनी सेम ऑफिसेस पे सेम चीजों के ऊपर शुरू हो रही है, ये सब में उनकी जीत है। मैं उनको इतनी मुबारकबादी देना चाहूंगी, इंशाल्लाह जब तक कयामत के सुबह तक ये कंपनी चलती रहेगी वो इसमें हिस्सेदार रहेंगे, भले वो इन्वेस्टर रहे ना रहे, वो मेरे साथ जुड़े रहे ना रहे, वो अल्लाह के फजलो करम से जो है इसमें साथ रहेंगे। और वो छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ा अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने उनके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत दे दिया था जी। और उन्होंने आज तक भी, आज मैं आई हूँ, मैं आने के बाद भी रोज में मुझे हजारों ईमेल आ रहे हैं। हजारों ईमेल में मैं आपको बताऊं कि मुझे एक भी ईमेल में कोई मेरा मेंबर ये नहीं पूछता कि आपा पैसे कब दोगे, कब तुम मेरा पैसा दोगे। ये मेरे सच्चे इन्वेस्टर हैं, सच्चे कस्टमर हैं। वो मुझे ये बोलते हैं कि आप मुबारक हो, आप अपनी सेहत का ख्याल रखो, हमें मालूम है कि आप अभी फिलहाल बहुत बिजी हैं, हमें मालूम है कि डेटा सेंटर आने के बाद ओपन होगा, हमें मालूम है कि आप जो है इस तरह से करोगी। कोई भी जो है मुझे तकलीफ देने की कोशिश मेरा मेंबर नहीं करता। मैं उनके लिए ये सोचती हूं कि मैं भी उनको तकलीफ दिए बगैर अपना पेमेंट जो है रिटर्न कर दूं और वो पूछे बगैर उनके अकाउंटों में चले जाए। वो कभी मेरे साथ में पूछने आए ही नहीं उनके अकाउंटों में जाए। मैं भी यही सोच रखकर बैठी हुई हूँ, अल्लाह उसे कामयाब करेगा इंशाल्लाह जरूर से। आप इस समय कुछ लोग जो है दुश्मनों की साजिश के तहत, यानी दुश्मनाने हीरा हम लोग जिसको बोलते हैं, उनके साजिश के तहत वीडियोस बना रहे हैं। कुछ भूले भटके लोग दिन भर और रात भर, यानी 24/7 उनका यही काम है, खाली हीरा इन्वेस्टरों को, हीरा फैमिली मेंबर्स को पैनिक करना। कुछ लोग साजिश के तहत, कुछ लोग गुमराह होकर के। आप ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहती हूं कि गलत से लोगों को गुमराह करना, उनको डराना, उनको परेशान करना, ये बात गलत है। उसके बावजूद मैं एक बात कहती हूं कि ये लोग जितने भी साजिशें करके 30 लोगों को प्रूफ नहीं कर पाए जी। और उनको भी रियल फ्रॉड नहीं प्रूफ कर पाए जी। जो FIR था वही फ्रॉड प्रूफ हुआ है, हमने उनको फ्रॉड किया ये प्रूफ नहीं है कभी भी जी। और मैं यही बात कहूंगी कि अभी भी जितनी मेहनत है कर लेने दो, और जो उस टाइप के नॉलेज रखने वाले लोग हैं, उस टाइप की गंदी सोच सोचने वाले लोग हैं कि अब हमें वहां जाएंगे तो पैसा मिल जाएगा, तो उनको जाने भी दो। क्योंकि हम जितना समझाना वीडियो के जरिए समझा रहे हैं और हम उनको वक्त निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कंपनी की पॉलिसी। और मैं 3 साल तक लड़ाई लड़कर, और 3 साल से नहीं, अगर 2012 से स्टार्ट कर लेंगे तो मैं 10 साल की लड़ाई लड़कर जो है उनके सामने आई हूं उनके अमानतों को अदा करने के लिए। अगर वो अमानतें लिए बगैर अगर उलझनों में ही रहना चाहते हैं, उलझनों में ही पड़े रहना चाहते हैं, तो उनको कोर्ट के थ्रू लेने के लिए दो, और कोर्ट के थ्रू ही उनको पेमेंट मिलेगा। मैं बाकी के वीडियोस में भी बता चुकी हूं, और कोर्ट में भी जब वेरिफिकेशन होगा, जब उनका चेक क्लियर होगा, जब उनके पेमेंट क्लियर होंगे, बगैर वेरिफिकेशन के तो हर कोई आके बोल दिया कि मेरा 1 करोड़ है, कोई बोल दिया मेरा 50 लाख है, कोई बोल दिया मेरा 25 लाख है, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद रिकॉर्ड होगा, उनको क्या दिए हैं, क्या मिला है, कितना बैलेंस है, उसके बाद पे बात होगी। कोर्ट में वो रिकॉर्ड सबमिट होगा, उसके बाद उनको पेमेंट रिलीज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि इनके आफ्टर वेरिफिकेशन के बाद में पेमेंट दो। जी 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 जी। कि आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। आपने कहा कि जैसे डेटा आएगा लोगों का काम शुरू हो जाएगा। और आप देखिए, आज आपने मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए, सबके सवालों के जवाब उनको मिल गए हैं। अब आज आपने एक बहुत बड़ी बात कही है जो मेरे दिल को छू गई है। आज आपने तेलंगाना की जीत, तमाम सेशन कोर्ट्स की जीत और सुप्रीम कोर्ट की जीत को इन्वेस्टरों की जीत बताया है, अपनी जीत नहीं बताया है। ये बहुत बड़ा बड़प्पन है आपका। और आपा, मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से, और कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी जाने वाले समय में इतनी ऊंचाइयां छुए कि दुश्मनाने हीरा को जो है कोमा में चले जाए देख करके इस सफलता को। और माशाल्लाह से आज 99% से ज्यादा सपोर्टर्स आपके साथ पहले भी थे, आज भी है, और आगे भी बने रहेंगे इंशाल्लाह, जैसा लोग हमसे बताते हैं। और आज हमें पापा बहुत अच्छा लगा है, आज आपने अपना कीमती समय मातृभूमि टीवी को दिया है। और पापा, बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ तक आकर इंटरव्यू लिए। और मैं दुश्मना ने हीरा को भी कोमा में जाना मैं तो नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि अल्लाह उनको हिदायत दे और वो सच को समझे और गलत तरीके से रात दिन बहक कर गुनाह कमाने से वो बच जाएं। बस मैं यही चाहूंगी। आपा, मातृभूमि टीवी के बारे में आप क्या कहेंगे? आपके मुंह से चैनल का नाम सुनना चाहता हूं मैं। जी, मैं मातृभूमि टीवी मैं अंदर से सुनती थी, मुझे लोग बताते थे मातृभूमि चैनल में जो है आपके बारे में हम अपडेट रखते हैं,
और जो भी अपडेट है हमें मिलते रहते हैं, तो मुझे खुशी हुई। मैं आने के बाद मैं आपके चैनल को फाइंड किया और देखा, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपके चैनल का कि आपने काफी हद तक जो है सपोर्ट किया है और काफी हद तक बात किया है, और उसके लिए शुक्रिया। जबकि मैं अंदर थी, आपको जानती भी नहीं थी, आप भी कभी मेरे से मुलाकात भी नहीं किए थे, मगर इस बार जो है मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं दुआ करूंगी कि आपका चैनल पूरे वर्ल्ड में छा जाए और बहुत ज्यादा इसमें जो है व्यूवर्स आए और लाइक करें, और आपका चैनल हक्को साथ दे हमेशा, मैं ये दुआ करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मातृभूमि टीवी को इतना कीमती वक्त आपने दिया है। तो साथियों, ये थी हमारे साथ आपा डॉक्टर नहरे से, जिन्होंने आज अपनी पूरी बात पूरी बेबाकी के साथ रखा है, और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि आपा इस तरीके से अगली बार फिर जल्द से जल्द मातृभूमि टीवी पर आकर के फिर से तमाम और जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में आपको और जानकारी दें। बाकी आपा का जो फ्राइडे फ्राइडे वीडियो आता रहता है, आप लोग मातृभूमि टीवी पे आप लोग हमेशा देखते रहते हैं, तो आपा एक बार फिर से आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप फिर बहुत जल्द आप मातृभूमि टीवी पर फिर से दिखाई पड़ेंगी। थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।